बड़ी मात्रा पुल पर और आज मूर्ति विसर्जन किया जाना है, जहां पर यमुनानगर के अंदर 200 से ज्यादा पंडाल लगाए गए थे, वहीं कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये क्या कहना है सर, क्या नाम है आपका? पंकज लांबा जी, जो आज आप मूर्ति विसर्जन लेकर आए हैं, कितने समय से आपने स्थापित कर रखी है और आगे क्या? 10 दिन से गणपति बप्पा हमारे साथ रहते हैं, आज विसर्जन कर रहे हैं। गणपति बप्पा ने अपने धाम जाना था, जैसा नियम बना हुआ है, हमें दुख भी है कि गणपति बप्पा हमें अब छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें यही हर्षोल्लास है कि अगले साल गणपति बप्पा जल्दी आए, हमें को सेवा का मौका फिर से। तो आगे की क्या जो मन्नतें रहती हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मन्नतें, सबकी सीक्रेट होती है, सीक्रेट होती है, सबको आशीर्वाद बनाए। आगे का क्या विचार बनाया है आपका स्थापित करने का, इतने समय से स्थापित कर रहे थे? हम लगभग 6-7 साल से हम कर रहे हैं, तो हर साल करते हैं, बहुत खुशी होती है, हम गणपति जी की सेवा करती है। से पहले यहाँ पर गणपति जी की आरती की जा रही है और आप देख सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे व पुरुष यहाँ पर गणपति विसर्जन करने के लिए पहुंचे हैं। पश्चिमी यमुना नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है और हमारे यहाँ पर नगर निगम गोताखोर अपनी टीम को समझाते हुए नजर आ रहे हैं और ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम गोताखोर अमर सिंह जी और यहां पर प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज मूर्ति विसर्जन है, किस तरह की सुरक्षा श्रद्धालुओं के लिए की गई है? जैसे किस्ती वगैरह का इंतजाम किए अभी भी हमने अगर आप
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।